नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचन में गेमर में। अब BGMI बैन हो गया तो कर ही कह सकते हैं, तो मैंने सीधा न्यू स्टेट को ही डाउनलोड कर लिया। कैसे डाउनलोड किया मेरे को खुद ही को पता है, जो थोड़े बड़े बड़े जुगाड़ लगा के, छोटे मोटे जुगाड़ लगा के एक बार में डाउनलोड कर दिया। एक बार में नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो मैंने सोचा कि चलो जॉर्जो कोली उतर जाते हैं, हॉट ड्रॉप होगा, बंदे आएंगे। लेकिन सिल्वर लॉबी में बंदे कहाँ, बॉट ही होते। अभी तो मैं सिल्वर लॉबी में हूँ इसलिए मेरे को बॉट मिले, या फिर गेम कोई खेलता ही नहीं है इसलिए बॉट मिले। चार नंबर देखो क्या नंबर, मेरा टीममेट देखो क्या बोल बॉट आ गया। चार नंबर मरने मतलब गन इसको प्यारी है, टीममेट प्यारा नहीं है, अपने जान प्यारी है। नहीं ऐसे खुद का नहीं होना चाहिए। मेरे को सामने कहीं पर तो फायरिंग की आवाज आ रही थी तो मैं चला जाता हूँ ताकि कौन है फायरिंग करने वाला उसको ढूंढ सकूँ। लेकिन भैया मेरे को फायर आ रहे थे इतने दूर, भाई कितने दूर फायर आ रहे थे। मेरे को सामने कंटेनर या फिर किसी पे झुक के बैठा है तो नहीं है ये। अब ये बंदा है या बॉट है कुछ पता नहीं था, और मैं क्या खड़ा है। अच्छा वो बंदा नहीं था वरना मेरे हेड ही चिपका देता। कैसा कर रखे बैठा था मैं इधर थोड़ा, मतलब आदत तो जाएगी नहीं ना, लूट करने की आदत तो मेरी जाएगी नहीं, बुरी आदत है मेरी। उसको तो टीममेट लपेट देता है, अगर मैं लूट नहीं करता तो मार देता। लेकिन कोई नहीं, सामने एक और बॉट था जो बोल रहा था कि आओ मेरे को मारो तो मेरी गोली कनेक्ट हो जाती है, इसलिए मेरी गोली से नॉक हो जाता है और उसका किल जो है मुझे मिल जाता है। तो मैं मेरा उसके अंदर थोड़ी ढूंढा ढांडी करने के लिए निकल पड़ता हूँ कि क्या पता है इसके अंदर कुछ हो, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। सामने मेरे को एक बॉट मिलता है उसको खत्म कर देता हूँ और उसकी पेटी लूट के यहाँ पर आता हूँ तो एक और बॉट मिल जाता है तो उसको भी मार देता हूँ। मेरे को याद नहीं, पता नहीं था कि मेरे UMP पे गलती से 4x लग गया है। अच्छा हुआ बॉट था, वरना क्लोज में 4x में बकवास से होता है। और इसमें ये कौन सा फीचर समझ में नहीं आता, ये वाइपर नाम का कुछ स्कोप है रेड डॉट के जैसा ही है, लेकिन अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली रेड डॉट हो जाता है। ऐसा समझ लो कि आफ्टर मैथ मोड नहीं था, BGMI में आफ्टर मैथ मोड था कुछ उसके जैसा ही स्कोप सिस्टम है। आफ्टर मैथ मोड में भी एक प्री इंस्टॉल स्कोप आपको मिल जाता है जो इसके ये वाइपर की तरह दिखता है, कसम से वाइपर की तरह ही दिखता है। शायद इधर बंदे होते हैं लेकिन मैं बंदों को मारने जाते हैं, बंदे नहीं बॉट होते हैं। तो इधर दो चार वॉट मार के निकल पड़ते हैं आगे स्कूल की ओर। पर मेरे को लगा था कि स्कूल पे कोई ना कोई शायद बंदे होंगे, लेकिन स्कूल पे पहुंचते हैं तो ये सीन हो जाता है। हम गाड़ी में बैठते हैं और तभी भाई साक्षात मौत देख ली मैंने। भाई मेरे को रेड जोन में बाहर रहने का ही नहीं है। टीममेट भी बोलते हैं गाड़ी चला, मैं गाड़ी चला के मार देता हूँ सीधे घर के अंदर भाई, वरना अभी तो मुँह के सामने जोन फटा है, अगली बार मुँह पे फटेगा, इसलिए ये सोच के सीधा घर के अंदर चुप जाते हैं। नहीं भाई जोन से पंगे नहीं लेने हमको जोन से कोई पंगे नहीं लेने, ये सोच के घर के अंदर बैठ जाते हैं। और आगे इधर स्कूल पे एक बॉट मिलता है तो उसको भी मार देता हूँ। अब जोन में तो निकलना था और गाड़ी के नीचे देखो, ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेम का ही प्रॉब्लम है। देखो डॉल्फिन की तरह कभी ज़मीन के अंदर घुस रही है तो कभी ज़मीन के बाहर आ रही है। क्या है भाई, क्या है ये गेम का, ये देखो भाई। और स्कोप खोलने जाता तो स्कोप देर से खुलता है, अभी कौन सी प्रॉब्लम है क्या मेरे को पता नहीं। मैं BGMI भी खेल सकता हूँ तो HD+ हाइपर पे तो मैं आराम से खेल सकता हूँ BGMI, इतना तो कह सकता हूँ। और इधर देखो भाई ये क्या है, ये कौन से नशे है भाई, टीममेट तो गाड़ी रोकता नहीं, चार नंबर कूद जाते हैं तो बेचारा नॉक हो जाता है। और ये बटन मेरा काय को जाम पता नहीं, मैं एग्जिट का बटन दबा रहा हूँ एग्जिट नहीं हो पा रहा हूँ वहाँ, और आखिरकार हो जाता हूँ। लेकिन मैं इतना बड़ा का था जमीन, ये नदी के तल में घुस रहा हूँ मैं, ऊपर तैरने के बजाय नीचे तैर रहा था। लेकिन इसको मैं रिवाइव मिल जाता है, मैं थोड़ी पोजीशन बदल लेता हूँ, मतलब अपनी नॉर्मल खेल रहा था तो उस जगह से हट गया था, इसलिए पिंग थोड़ी ज़्यादा आ गई थी मैं। तो सामने मेरे सामने एक बंदा था तो टीममेट गोली मारता है, लेकिन उसकी गोली से नहीं मारता, मेरी गोली से मर जाता है। वहाँ से हम निकल पड़ते सीधा यासना के यहाँ पर, और यासना में देखो मेरा टीममेट ड्रोन उड़ा रहा होता है, मेरे को मिल जाती है Level 3 का हेलमेट और MG3। मैंने सोचा कि शॉटगन को कब तक यूज़ करेंगे, MG3 को ही उठा लेते हैं।
लेकिन इसमें पहले MG3 रीलोड करेगा करेक्टर, उसके बाद उसकी लूट उठाएगा। मैं अपनी इन्वेंट्री सेट कर रहा हूँ तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें नई है, कुछ कुछ पुरानी जैसे है। तो सामने एक बंदा होता है, मैंने रेड डॉट खोल के देखा तो कोई नहीं था। फोरेक्स से मैं बंदा को सीधा हेड चिपकाया और पीछे से मेरे को पीछे से फायरिंग का साउंड आया, मतलब दिखा, और इसमें से भाई साउंड से बहुत ही ज़्यादा घटिया है, आवाज़ कुछ ज़्यादा ही कम आ जाती है, और ईयरफोन का तो वॉल्यूम फुल नहीं कर सकते थे। मेरे को शक हुआ कि स्नाइपर टावर में कोई ना कोई बंदा छुप के बैठा है, क्योंकि दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा ऐसे खुला तभी होता है जब कोई खुलेगा, तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि चलो नेड़ फेंक के देखते हैं, नेड़ का करूँगा क्या। यही सोच के मैंने नेड़ जो फेंका और जो फूटा, बंदा भी फूट गया। देख लो भैया, मैं पहले चौंक गया, किधर है बंदा, इधर मैं बैठा होता है गिली सूट वगैरह पहन के कैंपिंग कर रहा होता है, और इसकी लूट देखो। मैं जब अपने टीममेट को बोलता हूँ कि मैंने कैंपर को ग्रेनेड से फोड़ा, उनका रिएक्शन सुनो। अब लॉबी में कैंपिंग करेगा, मतलब फ्लेयर गन वगैरह सब कुछ लूट के बैठा था ये बंदा, फ्लेयर गन ग्रोदा वगैरह। मैंने सोचा कि और लूटू क्या, लेकिन भाई लालच नहीं करना चाहिए भाई, लालच का फल मैं एक बार भुगत चुका हूँ, मेरे को फिर से नहीं भुगतना, इसलिए अंदर जून में जला जाता हूँ। लेकिन पीछे से एक बार बंदा या बॉट समझ में नहीं आता क्या है, उसको मैं टपका देता हूँ। मेरे को लगा सामने और भी कोई बंदा है क्या, इसलिए मैंने अपने टीममेट को बोला कि सामने कहीं पर होगा क्या। मेरे को ऐसा शक हुआ, लेकिन कोई नहीं था भाई, कोई नहीं था, यही था। नीचे कूदता हूँ तो पहले से जोन ने बैंड बजा दी थी ऊपर से, ये तो MG3 से इसको भी पूरा फिनिश कर देता हूँ, इसको फिनिश कर मतलब पूरा फिनिश नहीं करता, बस नॉक कर देता हूँ। और भाई मैं बस भागते जाता हूँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं गया, और जब गया तब भाई बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, मैं नॉक हो गया था। मैंने सोचा कि चलो घसीटते हुए सही कम से कम जोन के अंदर तो घुस जाऊँ, टीममेट रिवाइव देगा, लेकिन मर जाता हूँ। एक टीममेट गाड़ी घुमा रहा था, दूसरा टीममेट बंदूक को पेल रहा था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।